नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू से संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। पलामू डाल्टनगंज के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर गरीबों के बीच ठंड को देखते हुए शॉल स्वेटर अर्थात गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बताते चले कि सीआरपीएफ के जवान दुर्गेश कुमार सिंह के द्वारा एक टीम गठित की गई है जिसका नाम है जीवन ज्योत। जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि उसी गठित टीम के तत्वाधान में विभिन्न जगह पर इस तरह का साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो अभियान एक सप्ताह तक चलेगा, जिसमें गरीब असहाय और जो घर से बेघर रहते हैं उनको गर्म कपड़े प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन में युवाओं का सहयोग भी खूब रहा। मौके पर दिव्यांशु कुमार सौरभ, शशिकांत तिवारी, एसडी पाठक, चिंटू कुमार, रोहित कुमार, चिंटू दुबे, रॉबिन कुमार, दीपक कुमार, राका रंजन सहित अन्य युवा उपस्थित थे। जीवन ज्योति टीम के युवाओं ने कहा कि अन्य लोगों से भी प्रार्थना है कि गरीबों की मदद करें, भगवान आपकी मदद अवश्य करेगा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार को प्रखंड के कई सरकारी शिक्षक काला बिल्ला लगाकर बीआरसी कांडी में उपस्थित हुए। जानकारी देते हुए अखिल झारखंड शिक्षक संघ के कांडी प्रखंड के सचिव शंभु शरण ने बताया कि सभी शिक्षक संघ के निर्देशानुसार काला बिल्ला लगाकर लगातार दो दिनों तक शिक्षण कार्य किया। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2018 तक पारा शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार व संघर्ष संघ द्वारा दिए गए 13 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो बाध्य होकर संघ के निर्देशानुसार आगे का आंदोलन में कांडी प्रखंड के सरकारी शिक्षक भाग लेने को विवश होंगे। वहीं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई कांडी के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि आज हम सभी सरकारी शिक्षक उपस्थित होकर काला बिल्ला लगा रहे हैं। सरकार के दमनात्मक रवैये के विरुद्ध यह प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही श्री तिवारी ने कहा कि सरकार का शिक्षकों के प्रति हो रहे दमनात्मक रवैये के खिलाफ आज हम लोग प्रखंड के सभी शिक्षक दूसरे दिन काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शित कर रहे हैं। सरकार यदि उन सभी शिक्षकों की मांगे नहीं मानती है, उनकी समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो 12-13 के बाद हम लोग भी आंदोलन के लिए विवश होंगे। तो सरकार से अनुरोध है कि जो जितना जल्द हो शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, बंद सारा शिक्षकों को रिहा किया जाए। मौके पर सतीश पांडे, देवेंद्र तिवारी, उपेंद्र राम, गोविंद राम सहित कई शिक्षक भी उपस्थित थे। धन्यवाद।